कुछ हट के मूवी देखने की तलाश में, खासकर कोरियन मूवीज में काफी सारी मूवीज देख चुका हूं। तो आज के हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं ऑफिसर ब्लैक बेल्ट मूवी के बारे में, जिसको नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया और इसकी लेंथ जो है वो तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट के आसपास रखी गई है। वैसे कोरियन मूवीज की अच्छी बात यह है कि वो 1.5 घंटे से लेकर 2 घंटे के बीच में ही रख देते हैं, उसके अंदर ही आप अच्छे से अच्छी कहानी देख पाते हैं, या फिर उसके अंदर आपको कोई कहानी पसंद नहीं आती तो 2 घंटे या 1 घंटे 45 मिनट की बात होती है, ज्यादा देर तक आपको उस चीज को टॉर्चर नहीं सहना पड़ेगा। वरना अगर बात करें कोरियन वेब सीरीज की तो वो भाई साहब वो 20-20, 30-30 घंटे तक ले ली जाती है और वही एक बोरिंग सा पैटर्न, वही प्यार मोहब्बत वाली वो घिसी पिटी चीजें देखने को मिलती हैं जो सर में दर्द कर जाती है। खैर उन पे हम नहीं आते हैं, हम बात करेंगे इस मूवी के ऊपर। वैसे आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो, अभी भाग मत जाना, कहीं सोचो कि यार पता चल गया बस हो गया अपना काम और इस मूवी को देखते हैं नेटफ्लिक्स पर जाकर, बकवास नहीं सुननी है ना ही रिव्यू देखना है, लेकिन सुन लेना है, थोड़ी बहुत ही देर की बात है। तो अब बात करते हैं इस मूवी की कहानी की, फिर हम चर्चा करेंगे कि क्या इसके अंदर अच्छा और क्या इसके अंदर कमियां। तो एक पुलिस टीम बनाई जाती है जो एक ऐसा डिवाइस यानी जीपीएस डिवाइस बनाती है उन लोगों के लिए जो कैदी होते हैं, उनके पैर में वो पहनाया जाता है ताकि उनकी लोकेशन का पता लगाया जा सके, क्योंकि कोरिया के अंदर एक ऐसी चीज दिखाई गई है कि जहां पर जो अपराधी है वो जेल से बाहर तो आ जाते हैं लेकिन पुलिस को उनके ऊपर नजर रखनी होती है कि कहीं ये कोई अपराध ना कर दे, तो उनकी लोकेशन का उनको पता चलता रहे। अब ये जो जीपीएस डिवाइस होता है जो इनके पैर में होता है, ये निकाल तो सकते हैं नहीं, बस इसको ये काट सकते हैं, इनके ऊपर नजर रखी जाती है पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा। वो कंप्यूटर पे देखते रहते हैं कि हाँ ये कहां पर है, इनके डिवाइस की बैटरी नहीं है, और जैसे ही बैटरी कम हो जाती है, चार्जिंग कम हो जाती है, तो ये उसको फोन करते हैं, उस अपराधी को फोन करते हैं कि भाई तू ये चार्ज कर ले। इस तरीके की एक टीम ऐसा काम कर रही होती है। अब एक यंग बंदा जो कह सकते हैं अभी ऑफिसर वो बाद में बनता है, जिसका नाम ली होता है, जिसको किक चाहिए होती है हर टाइम, एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, वो मजे के लिए चीजें करता है और इसी मजे की तलाश में वो इस पुलिस की टीम में वो शामिल होता है कि हाँ उसको एक मजा मिलेगा, उसको एक डिफरेंट काम करने को मिलेगा। लेकिन जब वो इस काम में आता है तो उसे पता चलता है कि ये साधारण अपराधी नहीं है, किसी कोई जो अपराधी यहाँ पर बलात्कारी है, किसी ने मर्डर कर रखा है, तो काफी ज्यादा भयानक ये जो लोग हैं और इनके ऊपर सीरियस काम करना पड़ता है। और जब ये यंग ऑफिसर इसके अंदर आता है तो इसकी सोच कैसे चेंज हो जाती है, इसके नजरिया कैसे चेंज होता है, तब इसको काम की एक वैल्यू पता चलती है, इसको पता चलता है कि इसका असली मकसद क्या है। ये सारी चीजों का अगर आपको जानना है तो ये मूवी देखनी पड़ेगी, इसकी बाकी की स्टोरी आपको वहीं जाके पता चलेगी। तो ये हो गई इस मूवी की कहानी। अब बात करते हैं कि इस मूवी में अच्छा क्या है जो इस मूवी को इंटरेस्टिंग बनाता है। जो फाइटिंग सीक्वेंस इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं वो ठीक है, अच्छे दिखाए गए हैं, और बाकी जो एक करेक्टर आपको ली का देखने को मिलेगा वो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। पर्सनली जो मुझे पसंद आया इस मूवी में वो ली का करेक्टर ही है, क्योंकि जिस तरीके का करेक्टर, जिस तरीके का बिहेवियर इसमें दिखाया गया वो काफी ज्यादा बढ़िया है। एक आशावादी है जो उम्मीद रखता है, और एक काफी साफ दिल का करेक्टर दिखाया गया है ली को, जो देखने में काफी अच्छा लगता है। एक होता ना एक डार्क इशू उठाया जाता है और उस डार्क से इशू के अंदर भी आपको एक उम्मीद की किरण नजर आती है कि हाँ ये इंसान सही कर लेगा, ये जहां पर है ये देखेगा, मतलब ये बुराई के खिलाफ लड़ सकता है, तो एक उम्मीद सी हमारी जगती है उस करेक्टर को देखकर। तो ली का करेक्टर काफी ज्यादा पसंद आएगा आपको इस मूवी में, और थोड़ी बहुत ह्यूमर भी रखा गया है, वो भी ठीक ठाक है इस मूवी के अंदर। बाकी अगर बात करें तो ये मूवी कहीं ना कहीं अटैक करती है जो कोरिया के अंदर जो कानून है, जो वीक कानून है, जो लॉ है रेप को लेकर, वहां पर कैसे अपराधी के साथ बर्ताव किया जाता है, या फिर कितने वीक कानून वहां पर रखे गए हैं, कितनी आसानी से अपराधी छूट जाते हैं। मेरे लिहाज से शायद वैसा इस मूवी में दिखाने की कोशिश की गई कि वहां पर कानून को कितना ज्यादा कठोर होने की जरूरत है, क्योंकि बहुत आसानी से जो लोग हैं अपराध जिन्होंने किया होता है बच्चों के साथ, जो घिनौनी हरकतें की होती हैं, वो बड़ी आसानी से बच के निकल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि यार कहीं ना कहीं मूवी में उस डार्क इशू को, जो एक डार्क रियलिटी है, उसको दिखाने की कोशिश की गई है, जो काफी अच्छी बात है। बाकी अगर बात करें मूवी में परफॉर्मेंस की तो सबने बहुत बढ़िया काम किया है। मूवी स्टार्टिंग में आपको एक अच्छा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि कहानी डेवलप होती है, थोड़ा बहुत उसके अंदर मजाक भी आपको देखने को मिलता है। एक ली जब ऑफिसर बनता है तो उसकी हरकतें जैसी आती हैं वो भी आपको काफी ज्यादा पसंद आएंगी। तो ये होगी मूवी की अच्छी अच्छी बातें। अब बात करते हैं कि मूवी के अंदर कमियां क्या हैं। देखो मूवी का सेकंड हाफ जो है वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है, लेकिन फर्स्ट हाफ की अगर बात करें तो मूवी उतना आपको इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता फर्स्ट हाफ के स्पेशली। बाकी फाइटिंग सीक्वेंस मैंने कहा कि इसका जो फाइटिंग सीक्वेंस है वो लास्ट में जब आप देखेंगे ना मूवी का, वो काफी ज्यादा बढ़िया लगेगा, वो काफी सीरियस भी है और उस पर मेहनत भी की गई है। लेकिन बाकी के जो फाइटिंग सीक्वेंस है यार वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, उतनी उनके ऊपर मेहनत नहीं की हुई है, उनमें डेफिनेटली लगता है कि यार यहाँ पर हमें बहुत अच्छा देखने को चाहिए था। एक मार्शल आर्ट जैसे ली काफी ज्यादा अच्छा है मार्शल आर्ट
के अंदर, लेकिन उस लेवल की चीजें नहीं देखने को मिलती। हाँ, बस लास्ट वाले का एक एग्जम्पशन है, लास्ट वाला जो इसके अंदर सीन आता है या लास्ट वाली जो फाइटिंग होती है उसको छोड़कर, क्योंकि यार आप 1 घंटा 45 मिनट तक मूवी देख रहे हो तो एक केवल लास्ट वाले फाइटिंग सीक्वेंस पे थोड़ा डिपेंड हो रह जाओगे कि हाँ यार वो एक बहुत बढ़िया है तो पूरी मूवी अच्छी निकल जाएगी। नहीं, बाकी जो फाइटिंग सीक्वेंस है वो इतने अच्छे नहीं है, उन पे इतना फोकस नहीं किया गया। कुछ चीजें हैं मूवी के अंदर जिन पे मुझे लगता है कि यार उन पे फोकस किया जाना चाहिए था, जैसे फर्स्ट हाफ के ऊपर हो गया, या फिर कुछ ऐसे सीन आते हैं जो लॉजिकल बनाने बहुत ज्यादा जरूरी थे। अगर कुछ ऐसे सीन है जिनको यार आपको मानना पड़ता है कि यार ठीक है ऐसा हो गया होगा, वरना अगर आप उसमें लॉजिक लगाने बैठे तो यार वो सरदर्द ही करेंगे। ओवरऑल अगर बात करें मूवी की तो देखो यार, एक फाइटिंग सीक्वेंस थोड़े बहुत आप एवरेज से चला सकते हो, स्टोरी ठीक ठाक है मूवी की जिसके अंदर डार्क इशू उठाया गया है, और एक अच्छी बात जो इस मूवी की ये है कि यार देखो इसके अंदर कोई फालतू का रेफरेंस नहीं है जैसे प्यार मोहब्बत का, इसमें जो बात कहनी है वो रखी है इन्होंने, जो एक अच्छी चीज है। बाकी वल्गर चीजें इसके अंदर नहीं है, कोई गाली गलौज इसके अंदर नहीं है, मतलब वल्गर बच्चों के साथ घिनौनी हरकतें बताई गई हैं लेकिन वो इतनी मतलब दिखाई नहीं गई, जो अच्छी बात है। बताना एक अलग चीज हो जाती है, दिखाना एक अलग चीज हो जाती है। मेरी तरफ से तो देखो इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 6 out of 10, ज्यादा उम्मीदें मत रखना इस मूवी से। हिंदी डबिंग की बात करूं तो हाँ हिंदी डबिंग अच्छी है, बाकी अगर आप लोगों ने मूवी देख रखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी। अगर नहीं देखी है तो 1 time इसको कंसिडर कर सकते हो, ऐसे टाइम पास के लिए आप ये मूवी देख सकते हो। काफी ज्यादा पसीना आ चुका है, पूरे गले से, हाथों से, सर से पसीना ही पसीना टपक रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।